Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The electric field component due to a charge inside the cube of side 0.1 meter r Ex equal to alpha x, where alpha is 500 newton per coulomb meter inverse. Ey equal to 0 and Ez is also equal to 0. Calculate the flux through the cube and charge inside the cube. That means हमें यहाँ पर दो parameters निकालने हैं. The first one is flux and the second is charge inside the cube. तो यहाँ पर आपको एक बार समझ में आई होगी कि जो भी electric field है वो सिर्फ x direction में है, उसका formula alpha x. Ey और Ez की value यहाँ पर zero है, तो that means हमें y और z direction में निकालने की requirement नहीं है. तो यहां पर हम जब भी फ्लक्स निकालेंगे तो हमें ये दो सरफेसेस जो है, दिस वन एंड दिस वन, यहां पर ही हमें फ्लक्स मिलेगा, बाकी कहीं और निकालने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट फेस की, दैट मींस दिस वन. इस फेस में हम देखते हैं कि कितना फ्लक्स निकलेगा, उसको नाम हम देते हैं फाई वन और इसका हम फॉर्मूला यहां पर पुट करते हैं तो हो जाएगा ई एक्स, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट के अलावा ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख पाएंगे. इसलिए a इज द एरिया ऑफ दिस फेस एंड cos थीटा. cos थीटा यहां पर क्या होगा, ये जो नॉर्मल का डायरेक्शन है और जो फील्ड का डायरेक्शन है ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, दैट मीन थीटा विल बी 180 डिग्री. तो यहां पर हम जब फाई वन निकालेंगे तो ये बनेगा ex और ex का फॉर्मूला में दिया अल्फा एक्स और अल्फा की हमें वैल्यू दी है 500. तो इसको मैं अभी थोड़ा सा और पुट करके आपको बताता हूं कि ये कैसा बनेगा. ये बनेगा अल्फा एक्स a cos थीटा, देन अल्फा की वैल्यू हम पुट करते हैं तो वो होगी 500 एंड x जो होगा वो होगा ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, इस फेस का जो डिस्टेंस है एंड इट इज 0.1 मीटर. सो x की वैल्यू हमने यहां पर पुट की 0.1 मीटर. नाउ इसका जो एरिया होगा ये स्क्वायर शेप में है और इसकी जो साइड है वो 0.1 मीटर की है, तो दैट मींस ये बन जाएगा आपका 0.1 का स्क्वायर लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, एंड देन कॉस 180 डिग्री. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट वैल्यू ऑफ फाइव वन इक्वल टू -0.5. अब हम बात करते हैं सेकेंड फेस की, दैट मींस दिस वन. इस फेस की हम बात करेंगे, सेम फॉर्मूला आपको पुट करना है. यहां पर फ्लक्स हमने लिया है फाई टू, ये भी आपका बनेगा ई एक्स ए कॉस थीटा, फॉर्मूला सेम रखिएगा. देन इसके बाद जब हम देखेंगे ई एक्स की जगह पर अब क्या लिखा जाएगा, तो देखो लिखा तो वही जाएगा अल्फा एक्स बट वैल्यूज विल चेंज. तो यहां पर जो अल्फा है उसकी वैल्यू तो 500 ही है, बट एक्स जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम दिस टू दिस, तो दैट मीन 0.1 एंड 0.1 दोनों यहां पर आ जाएंगे, तो दैट मीन्स इट विल बी 0.2 मीटर एंड एरिया जो इस फेस का होगा वो तो सेम ही रहेगा, तो इट विल बी 0.1 स्क्वायर. अब यहां पर आप जब फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी यही है और नॉर्मल का डायरेक्शन भी सेम है, तो दैट मीन्स यहां पर बनेगा कॉस 0 डिग्री. तो कॉस 0 डिग्री यहां पर फॉर्म होगा और आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट फाई टू विल बी इक्वल टू 1 यूनिट. अब जब नेट फ्लक्स की बात होगी तो हम क्या करेंगे, यहां पर नेट फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. देखिए दोनों फील्ड एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब आप इसका फाई नेट निकालोगे तो इट विल बी व्हाट, फाई वन प्लस फाई टू, और इनको पुट करने के बाद हम देखते हैं हमारा आंसर कितना आने वाला है, 0.5 प्लस 1, दैट मीन द आंसर विल बी 0.5 और साथ में इसकी हम वैल्यू के साथ साथ हम इसकी यूनिट भी पुट कर देते हैं, तो इट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब जब हमें फाई मिल चुका है तो हम फाई की हेल्प से अब चार्ज भी निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट द चार्ज इनक्लोज्ड इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ फाई. तो यहां पर जो भी वैल्यूज है हम उनको पुट करते हैं और देखते हैं कि कितना आंसर हमें मिलेगा. तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻¹². और फाइव नेट जो हम निकाल चुके हैं वो है हमारा 0.5.
तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा इट विल बी 4.425 इंटू 10^-12 कूलम्ब. आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.